मुंबई क्राइम ब्रांचच्या युनिट 7 ने पूर्व द्रुतगती महामार्गावर 10 देशी पिस्तूल, 2 मॅगझिन आणि 6 काडतुसे सह लाखन सिंग नामक अट्टल आरोपीला बेडे ठोकले आहेत. या अगोदरच्या एका गुन्ह्यामध्ये लाखन सिंग हा फरार होता. तो पूर्व द्रुतगती मार्गावर मिठागर जवळ येणार असल्याची माहिती युनिट 7 चे पोलीस निरीक्षक मनीष श्रीधनकर यांना मिळाली होती. यावर युनिट 7 च्या पथकाने या ठिकाणी सापळा रचला तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्या 3 जणांपैकी 2 जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले. तर लाखन सिंग रंगेहात याला शस्त्रसाठ्यासह पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या शस्त्रसाठ्याची अंदाजे किंमत 3,05,000 इतकी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या आरोपीने मुंबईमध्ये शस्त्र आणण्याचे कारण काय, यात आणखीन कोण साथीदार आहे, याचा क्राईम ब्रांचचे पोलीस शोध घेत आहेत. मुंबई में अक्टूबर 2020 में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 यहाँ पे एक कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत 2 इल्लीगल फायरआर्म्स और साथ में 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था. इस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में जब बैकवर्ड लिंक पे हम काम कर रहे थे तब ये पता चला कि इनको वेपन सप्लाई करने वाला, जो खुद वेपन भी बनाता है, इस तरह से एक व्यक्ति का नाम सामने आया था. 8 महीनों से हम उस व्यक्ति के बारे में छानबीन कर रहे थे. ये पता चला कि वो MP का रहने वाला है और साथ में MP, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगह पे वो घूम रहा है और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा. इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन पे काम हम कर रहे थे तब पता चला कि मुंबई में यह व्यक्ति इस तरह के इल्लीगल फायरआर्म्स बेचने के लिए आ रहा है. इस इन्फॉर्मेशन के चलते यूनिट 7 क्राइम ब्रांच मुंबई के PI श्रीधनकर और साथ में उनकी टीम, इन्होंने नवगढ़ पुलिस स्टेशन के एरिया में एक रेड का आयोजन किया था, जिसमें संशयित व्यक्ति हिरासत में लिया. इसके साथ में जो हथियार थे उनको भी हिरासत में लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन में इस तरह का अपराध दर्ज किया है. शुरू के जांच में पता चला है कि यह व्यक्ति का नाम लखन सिंह चौहान है और यह मध्य प्रदेश में उमरती जिला बरवानी यहाँ का रहने वाला है और यह खुद इस तरह से वेपन भी बनाता है और अपने घर में इस तरह का काम वो करता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है. साथ में जो इल्लीगल वेपन सीज किए हैं उसमें 10 कंट्रीमेड पिस्तल है, उनके साथ में 10 मैगजीन और एक्स्ट्रा 2 मैगजीन और साथ में KF में के 6 लाइव राउंड्स भी इसमें हमें बरामद हुए हैं. इसके इन्फॉर्मेशन के बाद में अपराध के चलते हम आगे इसमें आगे की छानबीन और तफ्तीश कर रहे हैं. सर, आपने बताया कि इस शख्स जो गिरफ्तार किया आरोपी, इसका फैमिली बिजनेस ये वेपन बनाना था, तो आखिर कैसे वेपन बनाते थे, कहाँ वेपन बनाते थे और फैमिली में कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व? शुरू के तफ्तीश में ये बात पता चली है कि यह लखन सिंह चौहान ये खुद अपना घर में इस तरह के बिजनेस के तरीके पे इस तरह का वेपन बनाता है. साथ में इसके मामा और अन्य व्यक्ति भी शामिल है, इस तरह की बात सामने आई है. लेकिन इसमें आगे हम क्राइम ब्रांच आगे की तफ्तीश करके इस चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं. साथ में ये भी पता चला कि यह व्यक्ति इस तरह के वेपन बनाने के बाद में महाराष्ट्र, MP और अन्य राज्यों में भी इसकी बिक्री कर रहा था. सर, ये वेपन जैसी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसे किन साधनों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि कई जगह पर मेटल डिटेक्टर हैं, पता चल सकता है, तो कैसे छुपाता था? शुरू की जांच में पता चल रहा है कि यह व्यक्ति जो बनाने के बाद में डिलीवरी देता था और डिलीवरी देने के लिए जो भी व्यक्ति आते थे वो अमूमन रोड के रास्ते का इस्तेमाल करते थे. धन्यवाद.